बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने स्लोगन दिया था, लेकिन बाहर बिहार में किसकी है तस्वीर जब हम आपको दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। बिहार में बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 25 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में एक बाइक पर 5 सवारी बैठकर किस तरीके से खुद को अपराधी बता रहे हैं सुशासन वाले बिहार में, ये देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक गाड़ी और 5 सवारी दिख रहे हैं। एक अपाची बाइक पर 5 लोग बैठकर खुलेआम में कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं। 5 लोग बैठकर सुशासन के पुलिस को चैलेंज और चुनौती भी दे रहे हैं। सबसे पहले आप पूरी वीडियो देखिए। राजा खाली तो रास्ता बताइए, थाना होते तू चल ना, हम छे थाना अपन भगवान थाना होते आए अपन तो भगवानपुर थाना मादर चल हे बहन जो हमारे नाम वाले एक चीज मार चल है गाड़िया का नीलेश आरो ऊपर से सर्वे बोलवा बहन ना कोई दिक्कत नहीं छे है कोई दिक्कत नहीं है बहन जो हम ही है बाप जी इट इज माय नेम इज ब्रांड है ब्रांड या रिवॉल्वर राजा हमर भाई एक है बहन जो हमर जीवार हुआ है मादर चोद कोई नहीं बोलेगा जिला में और माय के भूल काट लेंगे जो बोल देगा अभी हमर नीलेश सम्राट है नीलेश सम्राट तनी शक्ल दिखाई दो अपन पांचो अपराधी खुले हम लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पांचो अपराधी एक अपाची से BR09SE ओकर बाद नहीं बोलेंगे खुले हम भाभी जी पांचो अपराधी खुले हम शौक मोहन में अंजाम देते हुए समस्तीपुर बहन चोद कोई नहीं बोल सकता बड़ा माइक चोद लेंगे जे बोल देगा हम ही बहन चोद हैं बाप एक कोई नहीं बड़ा मंच आगे बढ़े भाई चल माय नेम इज ब्रांड इज ब्रांड बेगूसराय बहन चोद बेगूसराय जिला किंग अपन छोटका भाई है हमार नामे है बाप जी हाँ तो बिहार में किस तरीके से बेलगाम और बेखौफ हो गए हैं अपराधी इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और ये चुनौती सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार में बिहार पुलिस को है। और ये तस्वीर बताई जा रही है कि बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गाँव की है, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि सुशासन वाले बिहार में एक गाड़ी पर 5 सवारी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपराधी हैं, इतने बेलगाम और बेखौफ अपराधी कैसे हो गए। आप टुडे बिहार के साथ बने रहें, धन्यवाद।